हे केशव, मुझे कृपा करिए बताएं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और सकाम कर्म क्या है, ये जगत और देवी देवता क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है। कृपा करके मुझे ये बताएं कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हे अर्जुन, जिसका किसी प्रकार से विनाश संभव ना हो वह दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका सनातन स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति भौतिक जगत कहलाता है। जीवों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। मेरे विराट रूप में स्थापित स्वरूप जैसे सूरज चांद आदि अधिदेव कहलाते हैं। तुम्हारा एक प्रश्न ये भी था कि यज्ञ का स्वामी कौन है, तो सुनो, प्रत्येक देहधारियों के शरीर में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं ही अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी हूं। जो प्राणी अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपनी देह का त्याग करता हो वो निश्चय ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव से मेरा स्मरण करता है वो उस भाव को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में केंद्रित करो, फिर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। जो भी मन लगाकर स्थिर भाव से मेरा स्मरण करता है वो मुझे अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि सूर्य की भांति तेजवान तथा भौतिक प्राकृत से परे दिव्य रूप परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता तथा समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य एवं नित्य पुरुष के रूप में करे। हे अर्जुन, यदि अंतकाल में मनुष्य अपने योग बल से अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने मन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो हमेशा अपने मुख से ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ही ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। जिन्हें ऐसी सिद्धि की इच्छा होती है वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब मैं तुम्हें मुक्ति लाभ की विधि बताऊंगा। समस्त इंद्रियों को वश में कर अपने मन को हृदय में तथा प्राण वायु को मस्तिष्क पर केंद्रित करके मनुष्य स्वयं को योग में स्थापित करता है। इस योग अभ्यास में स्थित यदि कोई ओमकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन कर अपने शरीर का त्याग करे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है उसके लिए मैं सदा सुलभ हूं, वो मुझे सहज ही प्राप्त कर सकता है। परम सिद्धि प्राप्त कर चुके महान आत्मा यदि भक्ति योग से मुझे प्राप्त कर लेता है तो वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस नश्वर संसार में वापस नहीं लौटता।
निम्न लोकों से सर्वोच्च लोकों तक जाने वाले कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते, परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है। जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होता है, समस्त जीव अव्यक्त अवस्था से प्रकट होते हैं, लेकिन रात्रि होते ही सभी जीव पुनः उसी अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसी तरह ये समस्त जीव बारंबार रात्रि के प्रवेश काल में विलीन होते हैं और दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत और श्रेष्ठ है, जो व्यक्त और अव्यक्त से परे है। जब संसार का सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता। इस प्रकार जिसे वेदांती अप्रकट तथा कभी ना नाश होने वाला बताते हैं, जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य सबसे महान है और केवल सच्ची भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि मैं अपने धाम में ही विराजता हूं, परंतु मैं सर्वव्यापी हूं। मैं सब में और सब कुछ मुझ में स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, उन विभिन्न कालों के विषय में सुनो जिनमें इस संसार से प्रयाण करने वाले योगी पुनः वापस आ जाते हैं और जिनमें वापस नहीं आते। जिन्हें पर ब्रह्म का ज्ञान हो वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में या जब सूर्य उत्तरायण हो तब उन 6 मासों में इस संसार को त्यागने वाला पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या फिर सूरज के दक्षिणायन रहने के उन 6 मासों में दिवंगत होता है वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः धरती पर चला आता है। शाश्वत मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, परंतु यदि कोई अंधकार के मार्ग से जाता है तो वो पुनः लौट आता है। पार्थ, भक्त योगी इन दोनों मार्गों से भली भांति परिचित होते हैं फिर भी मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तुम भी अपनी भक्ति में स्थिर रहो। भक्ति मार्ग स्वीकारने वाला व्यक्ति वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म आदि से प्राप्त होने वाले पुण्य कर्म फलों से वंचित नहीं होता, बल्कि वह मात्र भक्ति द्वारा इन समस्त पुण्य कर्म फलों को प्राप्त कर लेता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।